दिस इज नेहा, होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अगेन इज द लाइव शो ऑफ दिल दानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। एंड मैं एक बात बता दूं कि मुझे आप लोग कमेंट करते हो, वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो आते रहते हैं बार बार कि आप लोग लाइव शोज बनाते जा रहे हो तो आप सिर्फ व्यूज के लिए ये वो। ये बात बिल्कुल सच है, अगर हमने चैनल बनाया है तो ये सोच के ही बनाया है कि मतलब हम ज्यादा व्यूज ले सकें या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतलब बात कर सके, हमारी मतलब अच्छी फैमिली बन सके, मेरा तो यही मोटिव है। एंड कौन जो है मतलब एक यूट्यूब चैनल बना के व्यू नहीं जाएगा, ये तो एक कॉमन सी बात है। रही बात लाइव शोज की तो मैं बता दूं आपको, लाइव शोज मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं मतलब अपनी जैसे लाइफ जीती हूँ, मुझे वैसे भी लाइव शो बहुत पसंद है, मुझे रियल लाइफ में भी। एंड मुझे जैसे भी शो दिखते रहते हैं तो मैं उनको मतलब इकट्ठा करके देखती रहती हूँ कि मैंने आज ये शो देखना है, आज ये शो देखना है। फिर मेरे मन में आता है कि क्यों ना आपके साथ देखा जाए, क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो करते हैं कमेंट कि आप लाइव शो लेके आओ सिद्धू मूसेवाले का, तो उनके लिए भी लेके आती हूँ वीडियो में। बाकी मैं क्या बोलूँ, अब करते हैं हम बात वीडियो की। सो वीडियो जो है होने वाली है कोई शो है एंड करेंगे एंजॉय। 5 मिनट का की क्लिप ही है छोटी सी, उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को अगर आपने नहीं करा है, सो जरूर करें। इंस्टाग्राम जाके भी मुझे फॉलो करें। एंड मैंने वीडियो बनाई है सिद्धू मूसेवाले का, जो न्यू सॉन्ग आउट हुआ है इनविजिबल, सो आपको वो मिल जाएगी, देखो आप लोग। अभी चलते हैं हम लाइव शो की तरफ, लेट्स प्ले द वीडियो। शुभ इशारा देखें, हाँ जी टाइम तो हो गया, पर सिद्धू मूसेवाला कहते भी जाने जाने एक गाना होर तुम सुना के जाना। हाँ टाइम हो चुका है शो का ना, हाँ गाना हाँ उन्हीं ने कहा सामने आज नहीं कहा सी गाने का नाम चिट्ठा 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 सुनी तो की होंगे चिट्ठा सच अजकल तुम सारे देखते हो भी सारे कलाकार मगर पे जी शराब के गाने गाँव ये फलाना करता, मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं जस्ट सच दस रहा, थोनू सही लगे ताड़ी मार दो, नहीं कोई गल नहीं मैं बनू मैं गलत ठीक है, बस कदिया कॉर्ड रखियो गल सुनने वाली सुन लो पहला शराब वाली गल आ, कहते जी शराब के गाने गाँव जी नशे फैलते ने जे वो सच्ची गल कहना फैलते ने, मैं भी कहना पर गल सुन कहना हो कहीं रे गीत शराबा ते असी टीवी ते देखे ने, ओ तुसी पद पंजाब विच स्कूलां तो खोले ठेके ने, बिल्कुल सही हो कहीं रे गीत शराबा ते असी टीवी ते देखे ने, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖੋਲੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਬੰਦ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਬੰਦ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੀਕ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸੁਣਿਓ, ਓ ਚੱਕ ਲੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੀਤ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਕਹਦੇ ਹੋਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੀ ਖਾ
खबर मुकाबले दी तेरे जो अखबार ता बंद कर दो हो और बंद गीत भी हो जाएंगे तुसी अखबार ता बंद कर दो हथियार ता बंद कर दो। अगली गल पिछे दे बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर जी पंडित जी मैं नाम नहीं पता उन्होंने मेरा विरोध कर रहे हैं आप इज्जत करते हैं शांतमई विरोध किया सलूट है जी थोड़ा ठीक है जी मैं कहना तुसी थोड़ा हक बनता है तो मेरा भी हक बनता भी कुछ साउथ तो ही ने फिल्मा हो पंडित जी भी साउथ तो ने पंजाब भी चल रही है मैं भी एक मिनट दे दो जी पुलिस आ गई एक मिनट मैं गल्ला कहनी हूं दो मिनट रोक लो हो मैं भी मानता पंडित जी तुसी प्रोफेसर इलमा दे दसो की सोचते हो बारे तमिल फिल्मा दे ज्यादा गल निरपक्ष करो जा विचार ही बंद कर दो बंद गीत भी हो जाएंगे तुसी हथियार ता बंद कर दो टाइम हो चुका है ना शो का था कोई पंडित राव लेकिन मैंने शायद ये कॉन्ट्रोवर्सी सुनी थी पंडित राव की तो शायद मैंने ये वीडियो पहले बनाई भी है लेकिन हाँ शायद काफी टाइम हो चुका है तो ये रिप्लाई ही था सभी को जो कहते हैं मतलब जो लीडर्स वगैरह होते हैं जो बोलते हैं कि गानों में मतलब शराब वगैरह यूज होती है मतलब ये चीज भी गलत है मैं इस चीज को भी गलत ही बोलूंगी मैं नहीं बोलूंगी कि सही है लेकिन 101% जो है जो बोलते हैं वो भी गलत है वो सही कह रहे हैं कि स्कूल से ज्यादा आपने पंजाब में ठेके खोल कर रखे हैं बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि पंजाब में मतलब ऐसे नशे ना तो अगर वहां पे कोई सख्ताई नहीं है स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो वहां पे लोग ऐसे ही करेंगे क्योंकि लोगों को बिगाड़ना ही काम है लोगों का क्योंकि वह उनसे अपना काम निकलवाना तो बस उनको लालच दे दो किसी चीज का ये चीज बहुत गलत है। सो ये बात बिल्कुल सही है ये पॉइंट मेरे को बहुत सही लगी कि वध स्कूल तो है ना क्योंकि स्कूल्स की नीड्स बहुत ज्यादा है ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते स्कूल्स के लिए सो उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए जो कि बच्चों को फ्री पढ़ा सके क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन के बिना रह जाते हैं सो ऐसा ये बात बिल्कुल बुरी है क्योंकि मैं अगर लाइफ में कभी कुछ मतलब चाहे छोटी मोटी जो भी सही अगर करूंगी तो मैं जरूर ऐसे मतलब कुछ करूंगी क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिनके पेरेंट्स मतलब इतना नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों का ध्यान रख सके ध्यान तो रखते हैं लेकिन वो फिर मजबूरी के मारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते इतने खर्चे बता देते हैं स्कूलों में सो गवर्नमेंट स्कूल वैसे भी आजकल सब कुछ मतलब फ्री ही है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खर्चा तो आते ही तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा कोई ना कोई रूल निकलना चाहिए। सो मैं थोड़ा इमोशनल होगी बाकी कहाँ से कहाँ पहुंचा दी मैंने बात लेकिन अगर आप एग्री करते हो तो जरूर मुझे बताना एंड बाकी और सारे शोज मैं लेके आऊंगी लेकिन मुझे लगता है मैंने सारे शोज बना दिए हैं। सो मैं जो शो मेरे को मिलता है मैं वो देखती हूँ मेरा मन करता है मैं इसको देखूँ लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि क्यों ना आपके साथ देखा जाए क्योंकि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हो और मेरा खुद का मन करता है अब तो ऐसा टाइम हो गया कि आप सबके साथ मतलब लाइक फैमिली इसमें कौन सी फीलिंग आती है क्योंकि एक बंदे नहीं कोई है मुझे वो कमेंट करते हैं कि आप ऐसे बोलते रहते हो बिना मतलब ये बोलते रहते हो फुकरी या ये वो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किसी के बोलने से क्या फर्क है जो आपको पता है एंड चलिए बस इतना ही गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एक्शन वीडियो के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें घर पे रहें सेफ रहें पढ़ाई करें जरूर एंड बाय गाइस।